हाय हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्पाइसी प्लेटर कुकिंग चैनल में मैं किंजल जोशी एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। आज मैंने ओट्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया है दोस्तों, तो आइए बनाते हैं ओट्स और कॉर्न दोनों को मिलाकर एक लाजवाब सी रेसिपी। सुबह की भाग दौड़ में कभी ये नाश्ता भी जरूर ट्राई करना। सबसे पहले हमने एक स्वीटकॉर्न ले लिया है, जिसे इस तरह से हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है। सभी तरफ से इसका अच्छे से पल्प हमें निकाल लेना है। स्वीटकॉर्न को अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया था और ये देखिए, इसमें से इस तरह का पल्प निकला हुआ है और मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब आइए दोस्तों मेन इंग्रेडिएंट्स की बारी। जी हाँ, ये है ओट्स। और दोस्तों ये एक कप मैंने लिया हुआ है, आप देख सकते हो ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, सफोला मसाला ओट्स जो टोमेटो फ्लेवर है। अंदर मैंने 3 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है, उसे ली है, और एक प्याज मैंने लिया है रफली चॉप किया हुआ, और थोड़ा सा हरा धनिया। इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों हमने इसके अंदर रेडीमेड मसाला ओट्स का यूज़ किया हुआ है, जिसके अंदर सभी मसाले बहुत ही अच्छी मात्रा में मौजूद है, तो हमें ज़्यादा कोई भी मसाले अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली अगर कुछ कम ज़्यादा करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स में सिर्फ अनियन ही यूज़ किया हुआ है। अगर आप चाहो तो कैरेट भी डाल सकते हो, हरे मटर भी ऐड कर सकते हो, और या कोई भी और वेजिटेबल जो आपको पसंद हो आप उसे ऐड कर सकते हो। दोस्तों इसके अंदर एक बात का खास ध्यान रखें कि हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। हमने जो कॉर्न को क्रश किया हुआ था, बस उसी के मॉइस्चर में हमारा पूरा डो प्रिपेयर हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड किया हुआ है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा पूरा मिक्सचर अब बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कि इसके हम बॉल्स बना सकते हैं, ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है हमें। मैंने इस मिक्सचर के अब सारे बॉल्स प्रिपेयर कर लिए हैं। हमारा तेल भी अब गर्म हो चुका है, जिसे मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो आइए इन बॉल्स को हम अब तल लेते हैं। हमें सुनहरा गोल्डन ब्राउन होने तक इन बॉल्स को तलना है, लेकिन ध्यान रखें कि एक बार में कम से कम 3 या 4 बॉल्स ही ऐड करें, ज़्यादा एक साथ ऐड ना करें, वरना ये टूट भी सकते हैं। दोस्तों यह कॉम्बिनेशन शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा या कभी टेस्ट किया होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने कॉर्न ऐड किया हुआ है और हमारा जो मसाला ओट्स था वो टमाटो फ्लेवर का है। तो टमाटर, कॉर्न और ओट्स का ये कॉम्बिनेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए हमारा बॉल एक तल चुका है। देखिए मैंने दूसरा बैच भी अब तलने के लिए लगा दिया है। और दोस्तों आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हो, या सुबह की भाग दौड़ में झटपट बनने वाला ये क्विक नाश्ता भी बन सकता है। फाइनली हमारा तीसरा बैच भी गोल्डन ब्राउन अच्छे से तल चुका है, आप देख सकते हो। इट लुक्स डिलीशियस। आइए इसे निकाल लेते हैं। देखिए हमारे सारे बॉम्ब अब बनकर रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मेरी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही झटपट बनने वाली आज की ये डिलीशियस रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही कुछ डिफरेंट से रेसिपीज के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।